हेलो एवरीवन, मैं मिसली एंड यू आर वाचिंग मिरेकलोनी क्लासेस। अरे दिलसाद, क्या बात है, बड़े देर से पढ़ाई कर रहे हो यार। कब से देख रहा हूँ कि तुम आराम से बैठ करके कुछ रट रहे हो, कुछ याद कर रहे हो। हाँ हाँ, वो सर दिए थे बुक्स का नाम याद करने के लिए, यानी वीक्स का नाम, जो सप्ताहों के नाम होते ना, उनको इंग्लिश में याद करने को दिए हैं। अच्छा, ये बात है, तो याद वाद हुआ कि नहीं? ये ऐसे ही कब से लेकर के रट रहे हो? नहीं, अभी अभी तो याद हुआ है, ज़रा एक बार सुनिएगा क्या? हाँ हाँ, सुनाओ ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना? अच्छा, ये बात है, शुरुआत कहाँ से तुमने की थी? शुरुआत तो हमने संडे से की थी, क्योंकि सीधा तो यही लगता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना? नहीं नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो। देखो, दिन की शुरुआत मंडे से होती है, भले वो देखने में सीधा लगता है वो बात अलग है, लेकिन हमें शुरुआत मंडे से करनी चाहिए। और वो भी तुम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहे हो, मतलब जैसा चाहिए वैसा प्रोनाउंसिएशन नहीं दे पा रहे हो, जिस तरीके से तुम पढ़ रहे थे। तो ऐसा क्या, हमें तो ऐसे ही बताया गया, हमें तो ऐसे ही सिखलाया गया। हाँ ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश तुम जूनियर क्लासेस के हो, इसलिए शायद तुमको कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन नहीं बताया गया होगा। जो एक हाई लेवल की प्रोनाउंसिएशन होती है वो तुमको नहीं बताई गई है। चलो मैं तुमको बताता हूँ। देखो, दिन की शुरुआत तुम मंडे से करना, MONDAY, ये मंडे है। बिल्कुल सही बोल रहे थे तुम, मंडे, है ना? उसके बाद जो तुमने बोला ट्यूसडे, वो भी बिल्कुल सही बोला था, TUESDAY, ट्यूसडे। लेकिन इसके बाद जो है ना, WEDNESDAY, ये असल में वेडनेसडे नहीं है। वैसे जूनियर किताबों में इसको वेडनेसडे ही बताया गया है, लेकिन सीनियर लेवल की बुक उठाकर देखोगे या सीनियर लेवल की प्रोनंसिएशन की बात करोगे तो उसमें तुम्हें वेंसडे कहना होगा। उसमें जो डी होता है ना, उसको साइलेंट कर लिया जाता है, इसलिए उसको वेंसडे बोला जाता है। हाँ, स का साउंड दे सकते हो, लेकिन उतना बेटर उसको नहीं माना जाता है, स के साउंड को, इसलिए तुम ज का साउंड देना, वेंसडे। अगर वेंसडे कहते हो तो भी चलेगा, लेकिन वेंसडे बेहतर, मेरा मतलब है बेहतर होगा कहना। अब अगले वाले की बात करते हैं। तो जो तुमने बोला था थर्सडे, वो थर्सडे थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे थे, स्लाइट मिस्टेक तुमसे हो रही थी, वो थर्सडे नहीं है, वो है थर्सडे, क्योंकि स्पेलिंग है TURSDAY, थर्सडे, वो थर्सडे नहीं था। अब उसके बाद फ्राइडे, बिल्कुल तुमने सही बोला, FRIDAY, फ्राइडे, लेकिन यहाँ पे गलती कर दी थी तुमने, है ना, सैटरडे बोल करके, वो सैटरडे नहीं है, उसे सैटरडे कहते हैं। लेकिन अगर तुम और भी चाहते हो थोड़ा सा कंप्लीट प्रोनाउंस करने को, उसको थोड़ा सा फ्रेंकली बोलने को, तो तुम र को साइलेंट करोगे और कहोगे सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे कहोगे, नहीं तो सैटरडे भी कहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बेहतर है। और ठीक है, सबसे अंतिम की बारी आती है, जो हफ्ते का सबसे लास्ट दिन होता है, वो होता है संडे, SUNDAY, संडे। तो इस प्रकार से प्रोनाउंस करके सर जी को सुनाना, सर जी भी प्लीज हो जाएंगे, मेरा मतलब है खुश हो जाएंगे, और कहेंगे कि वाह, क्या तुमने प्रोनाउंस किया यार, एकदम हाई फाई लेवल से तुमने, है ना, इन सारे वीक्स के नामों को तुमने प्रोनाउंस किया है, उच्चारित किया है, और तुमसे बेहतर, है ना, तुमसे बेहतर शायद ही कोई स्टूडेंट वहाँ सुना पाएगा, क्योंकि जूनियर क्लास के बच्चों को ऐसे ही सिखलाया जाता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और कहने का मतलब है कि इसमें जो सबसे मेन गलती थी तुम्हारी, वो वेडनेसडे वाली थी, बाकी सब कुछ तो चलता है, ठीक है। और जूनियर क्लास के बच्चों के साथ एक चीज़ और हो जाती है कि वो लोग संडे से शुरुआत कर देते हैं, जैसा कि तुमने किया था, लेकिन आगे से ये दो गलती ना करना, शुरुआत मंडे से होना चाहिए और वेंसडे होना चाहिए, या वेंसडे होना चाहिए, वेडनेसडे नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, थर्सडे नहीं कहना चाहिए, थर्सडे कहना चाहिए, सैटरडे नहीं है, वो सैटरडे है, ठीक है। तो आगे से इन गलतियों को मत करना, अपने दोस्तों को भी बताना कि सही तरीके से दिनों के जो नाम हैं उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस प्रकार होता है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको दिनों के नाम को इम्प्रूव कराया है, जो कि थोड़ी बहुत आप भी अपनी ज़िंदगी में गलती करते ही होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर की कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स ज़रूर इम्प्रूव हुई होगी। मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसमें से एक दो ऐसे वर्ड थे जिन्हें हम भी गलत प्रोनाउंस करते थे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।